अच्छा शेर ले लो। ये तो सुशांत तुमने ये दुकान खोली है क्या? हाँ। अच्छा तो ये तुमने जूस जूस भी रखे हैं? और भी एक मिनट ठहरो मुझे ये मिठाई देखो। ये मिठाई को तो मैं देखता हूँ लेकिन ये देखो। अच्छा ये एक कितने में हा? एक कितने का है ये? हाँ साठ। एक 60 रुपए का ये हा? अच्छा तो ये एक 60 रुपए का है। और ये चिप्स कितने की? ये 10 रुपए के। अच्छा ये भी 10 रुपए के। अच्छा तो ये एक है, ये भी 10 रुपए की है। ये चिप्स है, ये कौन सी चिप्स है? देख बिरयानी चिप्स है। हाँ तो ये सुफियान ने न्यू दुकान खोली है अभी। अच्छा तो ये यहाँ पे अच्छा तो ये अपने तुमने पॉकेट मनी जमा करके ये दुकान खोला है? हाँ। अच्छा ये 22 है। अच्छा तो ये मुझे बताओ कि ये एक कितने? 5 रुपए का एक है ये लड्डू? ये लड्डू 5 रुपए का एक है। 10 रुपए के दो होंगे ना फिर? तो ये भी 5 रुपए का एक है ये भाई मुझे लो 10 रुपए के लड्डू। हाँ ये लो गिरा का गया। हाँ ये तो। हाँ ये लो गिरा का गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये सुफियान ने तो अपना न्यू बिजनेस। कितने हैं? 2। 3 मिलते हैं यार। पागल है क्या? 2 रुपए? अरे ऐसे नहीं करो। नहीं 2 रुपए। अच्छा चलो। अच्छा तो ये सुफियान तो अच्छा ये चटपटी कितने की? अच्छा ये मैं खाऊं? अच्छा तो ये सुफियान ने मुझे दिया है अपनी तरफ से, तो अभी ये मैं खा रहा हूँ। अच्छा ये नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये बच्चों के। हाँ अच्छा तो मुझे अभी ये बताओ। ये हाँ ये खोल के दिखाओ। नहीं 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 रुक, ये चटपटी है ना। हाँ हाँ ये 10 रुपए के एक है, 20 रुपए के दो है, 30 रुपए के। दिखाओ तो सही, मैं दिखाऊँ तो सही, चटपट जाएगी। अच्छा ये है तो ये चटपटी, ये 5 रुपए की एक है, मतलब 10 रुपए में दो। अच्छा तो ये भी तुम्हारी तुम्हारी कस्टमर है? अभी इसने सुशांत के दुकान से ये बच्चों की सेल है तो अब ये खा रही है। अच्छा उसके बाद ये दिखाओ, ये क्या है? ये छोड़ यार, नहीं नहीं क्यों खोल रहे यार? दिखाओ ना, मैं दिखाऊं तो सही ना। ये हाँ ये देखो, ये अच्छा ये टिकटॉक है? हाँ ये टिकटॉक है, ये भी मिर्च मसाला है। तो अच्छा तो माशाल्लाह से ये सुफियान ने अपना खुद का बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया हुआ है। सुफियान काफ़ी मेहनती है, ये सुबह में स्कूल जाता है, उसके बाद आता है तो 1 घंटा आराम करता है और फिर ट्यूशन पे जाता है। तो अभी ये ट्यूशन से वापस आए तो इसने अपनी पॉकेट मनी जमा करके, अच्छा ये मुर्गों का बिजनेस भी इसका अलग है, ये सारी सुफियान अपनी पॉकेट मनी से जमा करके और फिर ये छोटा सा दुकान खोला हुआ है। तो माशाल्लाह से अच्छा बड़ा है। हाँ सॉरी, मैंने कब लिए थे? अच्छा देखता हूँ ये देखो। अच्छा ये 100 रुपए। अच्छा तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये सुफियान है और पीछे ही सुफियान ने ये छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सुफियान के बिजनेस में बहुत सारी बरकत अता दे। और ये हाँ दिखाओ आज कितने की ये सेल हुई है? 100, 110, 120, 130। अच्छा 130 रुपए की अभी तक ये सुफियान ने सेल की है। तो माशाल्लाह से अभी सही सुफियान का बिजनेस पे बहुत बड़ा शौक है। तो सुफियान ने मुझे बताया था कि मैंने इसे पूछा था कि तुम पढ़ना चाहते हो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर तुम क्या करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? तो इसने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो मेरे ख्याल से जॉब की तरफ इसका थोड़ा जो रुझान है वो कम है, लेकिन बिजनेस भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्मार्ट माइंडेड लोग ही वो बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये स्लाइस जूस है जो कि 60 रुपए का एक मिल रहा है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी। अच्छा तो इसके साथ ये मुर्गियों का कारोबार भी है सुफियान का, तो ये आप देख सकते हैं। तो मुर्गियाँ भी सुफियान ने पाल रखी हैं। और सुफियान का कहना था कि अच्छा तो सुफियान मैं आपकी सीट पर बैठूँ यहाँ पर बैठूं? अच्छा तो सुफियान ये बताओ अपने व्यूअर्स को वो कारोबार कैसे शुरू करें अपना कारोबार? अगर बिजनेस करना चाहें तो वो क्या करें? पढ़ाई करो, पढ़ाई
उसके बाद तुम सारे क्लास पास कर लो, हाँ। फिर तुम ये करो। ऐसे नहीं करो, जो एक मन क्लास में आपस स्कूल बना छोड़ दे, ये ऐसे नहीं करो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो माशाल्लाह से काफी पॉजिटिव सुफियान की सोच है। तो ओके, तो हाँ सुफियान, ये नहीं नहीं चले, मैंने कहा। हाँ तो सुफियान, अपने व्यूअर्स को तुम क्या बताना चाहते हो ये बताओ इस वीडियो को। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।